साथ इस वक्त हैं कुलदीप कुमार टीटा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और चंडीगढ़ के नए मेयर इस वक्त आज तक में हमारे साथ लाइव हैं। सर आप ये बताइए कितना बड़ा दिन है, काफी मशक्कत करनी पड़ी जीत के बावजूद। बिल्कुल आज बहुत बड़ा दिन है, आज सच्चाई की जीत हुई है और ये जो माननीय अदालत का जो आज फैसला आया है इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जीती है और बुराई हारी है। जो बीजेपी की नीतियां हैं वो हारी हैं, जिस तरीके से वो षड्यंत्र करके अपने लोगों को जिताते आए हैं आज कहीं ना कहीं वो हारे हैं। माननीय अदालत जी के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। सर जब मनोज सोनकर ने रिजाइन किया और आम आदमी पार्टी में से छोड़कर तीन पार्षद चले गए तो आपको उस वक्त लगा कि अभी भी गेम प्लान चल रहा है? थोड़ा सा इन्होंने ऐसे किया है, हॉर्स राइडिंग की है, लेकिन मुझे आज भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मेरे जो साथी पार्षद गए हैं वो वापस आएंगे क्योंकि उन्हें वो उन्हें बहकाया गया है। वो ऐसे नहीं थे, वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और वो वापस आएंगे। ये आप अब कब, क्योंकि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने बाकी हैं, ये सब प्रक्रिया कब हो जाएगी? ये जल्दी हो जाएगी, जैसे ही आप यहाँ पर ये चंडीगढ़ की जो प्रोसीडिंग है जो मुझे वहाँ पर बिठाया जाएगा उसके जल्दी हम पूरा करेंगे। फिर अनिल मसीह के ऊपर उन्होंने कहा कोर्ट ऑफ जो कंटेम्प्ट की जो प्रोसीजर है वो चलेगा, तो कैसे आप उसको देखते हैं? नहीं बिल्कुल चलना चाहिए मैम, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। और आपको रोना आ रहा है, आपको दुख हो रहा है। सर एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान या किसी से आपकी बातचीत हो पाई? नहीं अभी नहीं हुई है लेकिन जल्दी हो जाएगा।